हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ए पैसेज फॉर क्लोज टेस्ट आस्क्ड इन द सीजीएल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द एसएससी। अब तक के क्लोज टेस्ट वीडियो क्लासेस में आई होप आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा और पैसेज को कंप्लीट करने में किसी भी परेशानी का सामना आप नहीं करते होंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। बघीरा इज द फिक्शनल ब्लैक पैंथर इन रुडयार्ड कीपलिंग्स द जंगल बुक। बघीरा रुडयार्ड कीपलिंग्स की रचना द जंगल बुक में एक फिक्शनल ब्लैक पैंथर है। ही वॉज बॉर्न इन ब्लैंक स्पेस नंबर वन द मैनेजरी ऑफ राजा ऑफ उदयपुर। मैनेजरी का मतलब होता है ए कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन। जंगली पशुओं का पिंजरों में संग्रह जिसको प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है, यानी हमारा बघीरा कैप्टिविटी में बॉर्न हुआ। स्पष्ट हो गया किसी पिंजरे में जो राजा उदयपुर के कलेक्शन ऑफ ए वाइल्ड एनिमल्स में था वहाँ इसका जन्म हुआ। तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर वन के फोर ऑप्शंस को एग्जामिन करके देखते हैं। नंबर ए कैप्टिविटी, बिल्कुल सही आंसर आपका मिला। बी पार्क, मैनेजरी और पार्क में कोई रिश्ता नहीं है। केव गुफा, ये तो आज़ादी जंगलों में किसी गुफा में जन्मा। जंगल, जंगल यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बघीरा वास्तव में बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था इन द मैनेजरी ऑफ राजा ऑफ उदयपुर, यानी यहाँ राइट ऑप्शन आपका है नंबर ए कैप्टिविटी। ही वॉज बॉर्न इन कैप्टिविटी इन द मैनेजरी ऑफ राजा ऑफ द राजा ऑफ उदयपुर। ब्लैंक स्पेस नंबर टू, ही वॉज स्ट्रांग इनफ ही। ब्लैंक स्पेस नंबर थ्री, द लॉक ऑफ हिज केज। वास्तव में यहाँ दे रहा है कारण, चूंकि यह बहुत मजबूत था, काफ़ी सबल था। तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर टू के ऑप्शंस को एग्जामिन करें। ओनली एक माइल्ड कंट्रास्ट दिखाता है, अतः ये राइट ऑप्शन होगा नहीं। नंबर बी अनलेस ये कंडीशन देता है, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। सिंस, यस ये कारण देता है, सो राइट ऑप्शन आपका नंबर सी है सिंस, अल्दो कंट्रास्ट शो करता है, अतः ये भी राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो ब्लैंक स्पेस नंबर टू का सही वर्ड है आपका ऑप्शन नंबर सी सिंस, चूंकि सिंस ही वॉज स्ट्रांग इनफ ही द लॉक ऑफ हिज केज। अब चूंकि यहां पर स्ट्रांग है तो केज के लॉक को इसने तोड़ा होगा। यस ऑप्शन नंबर ब्लैंक स्पेस नंबर थ्री के फोर ऑप्शंस को देखें तो ओपन खोलने का काम इसने किया नहीं, लॉक को तोड़ा होगा। यस ब्रोक इज द राइट ऑप्शन, तोड़ना, बेंट झुकाना, दिस इज नॉट पॉसिबल हियर, लूसन ढीला करना, इट इज ऑल्सो यूजलेस हियर, सो द राइट ऑप्शन इज नंबर बी ब्रोक। ही ब्रोक द लॉक ऑफ हिज केज एंड ब्लैंक स्पेस नंबर फोर। अब जब लॉक को तोड़ा होगा तो जाहिर है कि वो निकल कर भागा होगा, तो ब्लैंक स्पेस नंबर फोर में आपको भागने से संबंधित शब्द का प्रयोग होना चाहिए। आइए ब्लैंक स्पेस नंबर फोर के ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एस्केप्ड बिल्कुल करेक्ट है, जम्प्ड उछलने का अर्थ है नहीं सो इट इज एलिमिनेटेड, मार्च्ड पैरेड मार्च करने का भी अर्थ नहीं है सो एलिमिनेटेड, क्लाइम्ब चढ़ने का भी अर्थ नहीं है सो दिस इज एलिमिनेटेड, राइट ऑप्शन आपका हो गया एस्केप्ड। एस्केप्ड इनटू द जंगल, ही रेगुलरली ब्लैंक स्पेस नंबर फाइव इन द स्टोरीज ऑफ मोगली, यानी ये प्रकट होता है, दिखलाई पड़ता है। आइए प्रकट होने, दिखलाई पड़ने के अर्थ में ब्लैंक स्पेस नंबर फाइव के ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए अपीयर्स, बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड है इन्वॉल्व्स, नो शामिल करना ये एप्रोप्रिएट नहीं है सो एलिमिनेटेड, राइजेस प्रगति करना आगे बढ़ना ये भी नहीं है एलिमिनेटेड, इनवाइट्स आमंत्रित करना ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया, राइट ऑप्शन आपका ए है अपीयर्स।
ही रेगुलरली अपीयर्स इन द स्टोरीज ऑफ मोगली। इस तरह से आपने पैसेज को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया। आइए इसको एक बार पढ़कर देख लेते हैं। बघीरा इज द फिक्शनल ब्लैक पैंथर इन रुडयार्ड किपलिंग्स द जंगल बुक। ही वॉज बॉर्न इन कैप्टिविटी पिंजरे में, इन कैप्टिविटी इन द मैनेजरी ऑफ द राजा ऑफ उदयपुर। सिंस चूंकि ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, ही ब्रोक द लॉक ऑफ हिज केज एंड एस्केप्ड इन टू द जंगल। ही रेगुलरली अपीयर्स इन द स्टोरीज ऑफ मोगली। बहुत आसानी से आप इस पैसेज को या किसी भी पैसेज को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।